नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? विच डू नॉट फर्निस आयंस। आयंस डिसॉल्व इन सर्टेन सॉल्वेंट। सो जो आयंस, जो सब्सटेंस आयंस नहीं बना पाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल अगर आपको याद हो बच्चों, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड कौन? बेंजीन। एक सेकेंड, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो जवाब देना। ग्लूकोज, बेंजीन, यूरिया, व्हाट इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। बेंजीन क्या होता है? C6H6। यूरिया इज NH2CONH2। एंड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ऑल दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दीज कंपाउंड्स और दीज सब्सटेंसेस कैन नॉट फर्निश आयंस व्हेन डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हमें वाटर ही बोलना है बेसिकली इस चैप्टर में। और इन सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं किया सकती। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? सब्सटेंस विच कैन डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिजॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट लाइक वाटर। ठीक है, जो सब्सटेंस आयनों में ब्रेक हो जाते हैं जब उन्हें सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिजॉल्व किया जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड इनटू दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें आपने एग्जांपल क्या सीखा था? KCl, NaCl, CH3COH, HCl, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, बिकॉज दे कैन गिव आयंस एक्सेट्रा। और अगर आप सभी बच्चों को याद हो तो मैंने कहा था कि आयनिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट बिटवीन आयंस एंड अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस। तो हमें ये सीखना पड़ेगा पहले कि किस टाइप के सब्सटेंस आयनिक इक्विलिब्रिया फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं कि आयंस बनाता कौन कौन है पहले, उसके बाद सीखते हैं कि किस टाइप के कंपाउंड आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्दो ये मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया था, पर एक बार रिकैप करता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट को मैंने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, सभी बच्चों को याद होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बताया था कि वीक एसिड हो सकते हैं, वीक बेस हो सकते हैं, एंड सॉल्ट्स भी आ सकते हैं। सॉल्ट्स जल्दी जो PPTs होते हैं वही सॉल्ट्स, प्रेसिपिटेट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स जो PPTs नहीं होते हैं वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ही होते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन से है। वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? विच डिसोसिएट पार्शली। क्या मतलब है वीक इलेक्ट्रोलाइट का? द सब्सटेंस विच डिसोसिएट पार्शली।
ओके। और पार्शली में हमें यहाँ पर मैक्सिमम 5% तक लेना है। मीडियोकर इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, डिसोसिएट पार्शली या फिर जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, 90% से ऊपर को हम कम्प्लीटली डिसोसिएट मान लेंगे। सो स्ट्रॉन्ग में क्या आता है, विच डिसोसिएट्स कम्प्लीटली, ठीक है। नाउ इन सभी के एग्जाम्पल सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड में जल्दी क्या क्या आता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड लाइक ऑर्गेनिक एसिड की सीरीज में जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम फॉर्मिक एसिड भी है, एसिटिक एसिड, और इसकी आप होमोलोगी सीरीज बनाते जाइए, ये सभी वीक एसिड में आएंगे। होमोलोगी सीरीज में हम लोग क्या ऐड करते थे, CH2, सो CH3, CH2, COH एक्सेट्रा, राइट। तो ये सभी ऑर्गेनिक एसिड हैं। सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये भी सब आते हैं इसी में। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पता है बच्चों, COH सिंगल बॉन्ड COH। हाइड्रोजन साइनाइड, कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी वीक एसिड में आते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3, नाइट्रस एसिड HNO2, अस वाले जनरली वीक होते हैं। अच्छा, फास्फोरस के एसिड वीक में आते हैं जैसे कि H3PO2, H3PO3, H3PO4 एक्सेट्रा, ये सभी वीक एसिड ही हैं। इसके नेम मैंने बताए थे, अगर किसी बच्चे को याद हो, इसका नाम था फास्फोरिक एसिड। दिस फास्फोरिक एसिड, ऑक्सीजन कम हुआ तो फास्फोरस और कम हो गया तो हाइपोफास्फोरस एसिड, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड में ओनली HF हाइड्रोजन हैलाइड है जो कि वीक एसिड है, अदर हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं, HCl, HBr और HI। एटलीस्ट आपको इतने वीक एसिड तो ध्यान रखने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ओके। वीक बेस में मैंने क्या बताया था, सही बच्चों ने इसको एक बार देख लिया होगा, आई थिंक सो। वीक बेसिस में लाइक ऑर्गेनिक बेस जो होते हैं वीक बेस में आते हैं, और ऑर्गेनिक बेस क्या होते हैं, दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। सी, अमोनिया भी एक वीक बेस है, अमोनिया जो वीक बेस, इसका डेरिवेटिव मतलब होता है इसमें H को रिमूव करके मैंने CH3 ऐड कर दिया तो ये बन गया CH3NH2। एक H को CH3 से रिप्लेस कर दिया, CH3 क्या हमारा एल्काइल है, फिर हमने इससे एक H को रिप्लेस कर दिया CH3 से तो बन गया CH3NH और CH3। इसका नाम है मिथाइल अमाइन, एंड दिस इज डाई मिथाइल अमाइन, दो मिथाइल हो गए तो डाई मिथाइल अमाइन। राइट, ये आपका क्या है, अमोनिया, दिस इज डाई मिथाइल अमाइन। इस H को रिप्लेस कर दो तो ट्राई मिथाइल अमाइन, जिसमें आपसे पूछूं कि इस CH3 की प्लेस पर मैंने C2H5 लगा दिया, C2H5NH2, व्हाट इज दिस, सो दिस इज इथाइल अमाइन, दिस इज इथाइल मिथाइल। यहाँ पे मैं प्रोपाइल लगा सकता हूँ, इतनी ऑर्गेनिक आपने सीखी है 10th में। तो जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं बच्चों वो वीक बेस में आते हैं, ऑल्दो आई एम टेलिंग यू कि आपको अमोनिया को ही फेस करना है, इतने आपको हो सकता है ना मिले एग्जांपल्स में,
लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए कि ये मिथाइल अमाइन है और ये कैसे आया है, अमोनिया से एच को रिप्लेस करके आया है। तो इसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये मॉलिक्यूल अमोनिया के दो एच को रिप्लेस करके आया है, दैट इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो जितने भी ऑर्गेनिक बेसिस हैं इन जनरल वो वीक में आते हैं। अच्छा, एक्वस सोल्यूशन, अमोनिया को एक्वस में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आयनिक यूरिया बेसिकली एक्वस सोल्यूशन का चैप्टर है, तो इसमें ऐड कर दिया तो बन गया NH4OH। तो ये दोनों एक बात है। अमोनिया जब वाटर में होता है तो इन द फॉर्म ऑफ NaOH होता है, जब अमोनिया गैस में होता है तो ये NH3 के फॉर्म में होता है, ये एक्वस अमोनिया हो गया। एक्वस अमोनिया को आप ऐसे लिखो या एक्वस NH3 लिख दो, एक ही बात है। एक्वस NH3 का मतलब यही होता है NH4OH, ठीक है। सो दीज आर द वीक एसिड विच डिसोसिएट पार्शली, दीज आर द वीक बेस विच डिसोसिएट पार्शली। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ वीक सॉल्ट क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। वी हैव डिस्कस्ड वीक एसिड, वीक बेस, नाउ वीक सॉल्ट। वीक सॉल्ट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है बच्चों की ये वीक है, कंपाउंड वीक, नो, इनका डिसोसिएशन पार्शली होता है। इसका मतलब कंपाउंड इटसेल्फ भी स्टेबल है। अब ऑर्गेनिक एसिड क्यों वीक डिसोसिएट करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल, दे आर नेचुरल एसिड, और जो कंपाउंड नेचुरल होता है, नेचर से बनता है, वो डिकम्पोज कम होता है, ठीक है ना। इस वजह से हमें उन्हें बोलते हैं स्टेबल कंपाउंड। वीक सॉल्ट में मैंने कहा जो PPTs होते हैं सॉल्ट, जैसे AgCl, ये वाइट PPT होता है, वाइट PPT। अगर इसको आप वाटर में डिजॉल्व करें तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि 1 लाख पार्टिकल्स में इसका एक पार्टिकल डिजॉल्व हो, एक 1 पार्टिकल्स आयनों में ब्रेक हो। AgCl, AgBr, दिस इज येलो PPT, एंड AgI, ये सारे सॉल्ट जो है वीक सॉल्ट हैं, दे डिसोसिएट पार्शली इनटू एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में, अदर सॉल्वेंट में हो सकता है कि कम्प्लीटली सॉल्वेबल हो जाए, बट वाटर में बहुत ही कम सॉल्वेबल है, बहुत आई वांट टू से कि ये पार्शली डिसोसिएट होते हैं। ये भी येलो PPT है आपका, जैसे कि BSO4 है, वाइट PPT आपने पढ़ा है इसको, PbI2 येलो PPT। तो जो बच्चों इस तरह प्रेसिपिटेट होते हैं, जिसे आपने ये प्रेसिपिटेट कब पढ़े हैं, आपने जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी तो उनमें प्रोडक्ट साइड जनरली आप देखते थे कि एक PPT होता था प्रेसिपिटेट। ये स्टेबल फॉर्म है सब्सटेंस के, दे डिसोसिएट पार्शली। ठीक है, यस सर। नाउ कम टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Strong electrolyte means which dissociate completely, जिनके लिए degree of dissociation जो alpha है वो 1 हो सकता है, ठीक है, approximately 1 हो सकता है। जब alpha की value 1 होती है, degree of dissociation alpha 1 है, इसका क्या मतलब होता है, electrolyte is completely dissociated, alpha 1 का मतलब 100% dissociation, ठीक है। और जितने भी mediocre dissociation है,
75%, 60%, ये अगर ऐसा है तो गिवेन होगा हमेशा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आते हैं, नंबर ऑफ नंबर वन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड में अभी मैंने एच एफ को वी केस में लिखा था, एस सी एल हाइड्रोजन हैलाइड, एच बी आर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। आपने एच टू जो फोर सुना है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। एस सी एल ओ फोर दिस इज पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, एक में जो आते हैं नाइट्रिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कोई एग्जांपल आपके माइंड में है? एच टू फोर के बारे में एक बात याद रखना कि इसमें एक मोल में कितने एच प्लस आयन दिख रहे हैं, दो एच प्लस आयन। तो अगर एच टू फोर है और बहुत डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, वाटर एक्सेस में है, कंसेंट्रेशन जाता है। वेरी डाइल्यूट का मतलब वाटर एक्सेस में है, एच टू फोर कम है। तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन में एच टू जो फोर कंप्लीटली डिसोज होता है टू एच प्लस एंड एस ओ फोर टू माइनस में, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। बट अगर एच टू जो फोर कंसनट्रेट है, वेरी डाइल्यूट मतलब वाटर इन एक्सेस वाटर। बट अगर एच टू जो फोर कॉन्सनट्रेट है, देन ये कंप्लीटली दोनों एच प्लस नहीं देता है, इसका डिसोसिएशन इस तरह हो सकता है एच प्लस एंड एच एस ओ फोर माइनस। जब मैं बात करता हूँ कॉन्सेंट्रेट एच टू फोर की, इसका मतलब क्या है, वाटर की क्वांटिटी काफ़ी कम है। अंडरस्टूड, कॉन्सेंट्रेट मतलब, हाँ कॉन्सेंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड, ये मतलब समझते हो ना, डाइल्यूट एसिड मीन्स वाटर एक्सेस में है, कॉन्सेंट्रेट एसिड मीन्स एसिड एक्सेस में है। तो जब एसिड एक्सेस में होता है तो उसका डिसोसिएशन कम होता है, तो इनको डिसोसिएशन को हम अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि एच प्लस है, इसमें दो एच प्लस हैं। तो क्या होता है कि जब एक एच प्लस दे देता है तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो दूसरे एच प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए दूसरा एच प्लस डिसोसिएट होना मुश्किल होता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये डिसोसिएट ही नहीं होता, डिसोसिएट कम होता है क्योंकि ये हाईली कंसनट्रेट है, तो नेगेटिव चार्ज जो भी होते हैं वो एच प्लस को अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो डिसोसिएट नहीं हो पाता है ज़्यादा। इसलिए कॉन्सनट्रेट एच टू जो फोर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है लाइक डायल्यूट एच टू जो फोर। तो ये सब बातें हम लोग तो यही यूज करेंगे हमेशा कि एच टू जो फोर कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन एक छोटी छोटी बातें हैं कि अगर पूछूँ कि अभी आपको मोल कंसेप्ट में एक सीखा था आपने वैलेंसी फैक्टर, कि वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड क्या होता है, नंबर ऑफ एच प्लस आयन, ये कितने एच प्लस आयन देता है, दो, इसका वैलेंसी फैक्टर दो है, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, वन, इसका वैलेंसी फैक्टर वन, इसका वैलेंसी फैक्टर वन, इसका याद है जब इक्विवेलेंट मास निकालते थे, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, ई फॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, तो कैसे निकालते थे, मोलर मास डिवाइड बाई टू, सो डिवाइड बाई नंबर ऑफ एच प्लस आयन गिवन बाई एसिड, या आप भूल गए होंगे गिवन बाई एसिड कि एसिड कितना एच प्लस आयन दे रहा है, ये उसका इक्विवेलेंट मास होता है। तो इसे एच टू फोर कॉन्सनट्रेट है तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एन फैक्टर वन भी हो सकता है और टू भी हो सकता है अगर दो एच प्लस आयन दे रहा दिया है तो, लेकिन डायल्यूट एच टू फोर में एन फैक्टर इजिली हम टू ले लेंगे। चलो ये तो एन फैक्टर फिर से वापस से आएगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में और भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब यहीं पर है कि यही है कि
वाटर में इजली डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली। नंबर टू, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो ये भी, लेकिन ये क्या देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस जनरली? OH आयन, राइट। सो स्ट्रॉन्ग बेस में एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल बेस्ट एग्जांपल के एल्कली मेटल्स हैं वैसे तो, जैसे कि NaOH, KOH, राइट, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेस में ही आते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, यहां समझना जरा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट अगर पीपीटीज को छोड़ दिया जाए, जो सॉल्ट पीपीटी नहीं है, जैसे AgCl, AgBr सॉल्ट थे तो वो पीपीटीज थे, तो वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं आयंस में। अगर सॉल्ट पीपीटी नहीं है तो वो सॉल्ट जनरली स्ट्रॉन्ग ही होता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग ही होता है अगर वो पीपीटी नहीं है, भले ही वो सॉल्ट क्यों ना ही वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या मतलब इसको, चलो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे NaCl, KCl, K2SO4, ठीक है, NaHCO3, NaNO2, NaBr, KBr, ये सारे सॉल्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। और मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे NH4Cl, CH3CONa, ठीक है। अब जब सुना ध्यान से, इसमें एक पॉइंट में बताता हूँ आपको, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड? CH3COOH, इसका सॉल्ट क्या बनेगा? तो इसका सॉल्ट बनाने के लिए इसकी किसी बेस से रिएक्शन करा दीजिए। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH से कराता हूँ तो क्या सभी बच्चे मुझे बता सकते हैं किससे क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट? CH3COONa, वेरी गुड। तो CH3COONa लिख दिया, और क्या सभी बच्चों को पता है इसका नेम क्या है, CH3COONa का नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। नाउ अगर मैं पूछूं कि सोडियम एसीटेट किससे मिलके बना है, तो आप बोलोगे एसिटिक एसिड को क्या बोला था अभी आपने? वीक एसिड, और इसको क्या बोला था आपने? स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सॉल्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, राइट। इसीलिए मैं एक कैटेगरी में लिख रहा हूं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और इसमें क्या क्या आ सकता है? जितने भी ऑर्गेनिक एसिड के साथ सॉल्ट बनते हैं, जैसे CH3COONa, मैं HCOONa ले सकता हूँ, ये सारे सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने हैं, लेकिन ये सॉल्ट सारे स्ट्रॉन्ग हैं। अब ये मत समझ लेना कि ये वीक एसिड से मिलके बना है तो ये सॉल्ट वीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कंप्लीटली डिसोसिएट। और थोड़ा सा मतलब समझना, जैसे कंप्लीट का क्या मतलब हुआ, अगर मैं 0.1 मोल CH3COONa को वाटर में डिजोल्व करूं एक्वस में, सो क्या मिलना चाहिए आयंस, हमको बताइए जरा, क्या आयंस मिलेंगे? CH3CO- मिलेगा और Na+ मिलेंगे, राइट, CH3COO- और Na+, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताइए कि अगर मैंने एसिटिक एसिड का 0.1 मोल लिया है तो मुझे एसीटेट आयन कितना मिला?
0.1 और ये भी कितना मिलेगा 0.1। इससे कोई नहीं फर्क पड़ रहा है कि ये किससे मिलके बना है, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, बट सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। देखो कंप्लीट का मतलब क्या है, 0.1 मोल लिया तो इसका भी 0.1 मिल गया, इसका भी 0.1 मिल गया। जैसे अगर मैं 0.1 मोल NaCl लेता हूं तो क्या मिलेंगे आयंस हमको, बताना जरा। Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। 0.1 मोल लिया, ये भी 0.1, 0.1 मिला। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताइए NaCl किस टाइप के बेस और एसिड से मिलके बना है, क्या जवाब दोगे इसका आप लोग? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, वीक एसिड यहाँ पे क्या है बताइए जरा। HCN। वीक एसिड यहाँ पर HCN है और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है। ये पता करने के लिए कि सॉल्ट में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, इसके लिए क्या कीजिए आप कि यहाँ पर Na पे प्लस है, CN पे माइनस है, तो प्लस वाले पोर्शन पे OH जोड़ दीजिए और नेगेटिव पोर्शन पे आप H प्लस जोड़ दीजिए और आप बता सकते हैं कि वो किस बेस और किस एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो इसको देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीक एसिड कैटेगरी में लिखाया था, बट ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है। तो एक बात याद रखना कि अगर PPT ना हो तो सभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्ट्रॉन्ग मतलब जितने उसके मोल लिए गए सारे डिसोसिएट आ जाएंगे। तो ये तो यहाँ पर NaCl भी आ सकता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मैं लिख रहा हूँ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaNO2। कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कि NaNO2 में एसिड क्या है, बेस क्या है? NaOH and HNO2। प्लस और माइनस, इसको OH दे दीजिए, इसको H दे दीजिए, क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व करके पता चलता है ना कि क्या बेस बना है क्या एसिड बना है। तो ये NaOH और HNO2 से मिलके बना है, NaOH और HNO2, और रिएक्शन करा दीजिए, देख लीजिए यही आ जाएगा, वाटर निकाल दीजिए इसे तो यही कंपाउंड बन गया वापस से। अब मुझे बताइए कि NaOH को मैंने क्या बताया स्ट्रॉन्ग बेस, HNO2 को मैंने क्या बताया है, टेल मी। वीक एसिड। तो ये कैसा सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इस तरीके सॉल्ट हमारे आ सकते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं उनके सभी के आगे Na। अब मैं यहाँ पर CH3CO लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर CH3COOK लिख दूँ तब भी तो सेम बात है, वीक एसिड यहाँ पे क्या है CH3COH, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है NaOH। अब देखो एक बात यहाँ और याद रखना, अगर मैं ऐसे ले देता हूँ CH3COO का होल ट्वाइस CA, और इस सॉल्ट के मैं 0.1 मोल लेता हूँ, 0.1 मोल क्या मिलेगा हमको, क्या हमें 2CH3CO- नहीं मिलेंगे क्या, एंड 1CA2+ मिलेगा। तो बताइए इसका जीरो, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, कम्प्लीटली एक्वस में डिसोसिएट हो गया है, तो CH3CO- कितने मिलेंगे हमको बताइए जरा, इसके 0.1 मोल थे तो 0.2, क्योंकि इसके एक मोल में 2 मोल एसीटेट आयन है और 1 मोल CA2+ आयन है, तो यहाँ पर ये मिलेगा 0.2 और ये कितना मिलेगा 0.1। ये ऐसा क्यों बता पा रहे हो, बिकॉज सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग, एक्वस में सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, भले सॉल्ट किससे मिलके बना हो। अदो ये सब बातें वापस से रिपीट होंगी चैप्टर में जब हम सॉल्ट की pH निकालेंगे। अब बी पार्ट में हम बात करेंगे सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे सॉल्ट में क्या आते हैं, जैसे NH4Cl। बताइए NH4Cl जो सॉल्ट है ये किससे मिलके बना हुआ है, इसमें बताइए क्या बेस है और क्या एसिड है। HCl कहाँ से आ गया, तो Cl है ना, Cl। NH3 और HCl बिल्कुल करेक्ट है,
या फिर आप मैंने क्या बोला कि इसके पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट पता कर लीजिए, तो यहाँ पे एन एच फोर प्लस और सी एल माइनस, और वाटर से इसको क्या दे दोगे प्लस वाले पोर्शन को ओ एच, तो एन एच फोर ओ एच, और सी एल को क्या मिल जाएगा एच, तो एस सी एल, और एस सी एल कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है वीक बेस, द सॉल्ट ऑफ वीक, तो दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, बट ये सॉल्ट वीक बेस से मिलकर बना है बट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, दैट मींस अगर मैं इसको 0.5 मोल लेता हूं तो यू विल गेट 0.5 दिस एंड 0.5 दिस, अंडरस्टूड? ये है सॉल्ट ऑफ, और भी हो सकते हैं इसमें वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में, जैसे कि ये सॉल्ट देखो, ये CH3NH2 है, इसका नाम मिथाइल अमाइन है, ऑर्गेनिक बेस को मैंने क्या बताया था वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्या करो इसका सॉल्ट बनाना, तो कैसे बनाओगे इसकी किसी एसिड से रिएक्शन करा दो, किसी एसिड से, तो मान लो मैंने इसकी करा दी HCl से, तो कैसे बन गया पता है CH3NH3+Cl-, और बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है ये, देखो कैसे जैसे आप NH3 की रिएक्शन कराते हो ना HCl से, तो बताइए क्या बनाते हो, इसके पास लोन पे है ना, इसने H+ ले लिया तो बन गया NH4+Cl, ऐसे तो लिखते हो NH4Cl, इसको NH4+ और Cl- लिख सकते हो, वैसे यहाँ पर भी है CH3, यहाँ पर 2S थे, इसका H+ जुड़ गया CH3NH3+Cl-, ये क्या हो गया सॉल्ट, ये क्या हुआ आपका सॉल्ट, किसका एग्जांपल हुआ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। कुछ और भी अजीब से सॉल्ट होते हैं, अभी के उनको नेम मैं लिख देता हूँ बट ये आगे सीखोगे आप, जैसे Na2B4O7 salt of weak base and strong base and weak acid, लेकिन मुझे तो weak acid strong acid लिखना ना, तो उसमें ये नहीं आएगा, ये ऊपर वाले में आएगा, कोई बात नहीं, तो एक्सेट्रा एग्जाम्पल इसके salt of weak base strong acid की ये हो गए। सी में हम ऐसे salt पढ़ेंगे जो weak acid और weak base से मिलके बने हैं, लेकिन ये भी क्या होंगे strong, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में क्या आएगा बच्चों, अपने आप से कोई सॉल्ट बता सकते हो जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना हो, एक वीक एसिड ले लीजिए एक वीक बेस ले लो और दोनों की रिएक्शन करा दो, जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस होगा, लेकिन डिसोसिएट ऐसे सॉल्ट का भी कंप्लीट होगा डिसोसिएशन, टेल मी CH3COOH4, हाँ CH3COOH4 और क्या हो सकता है NH4Cl तो हो चुका है ना, NH4CN करेक्ट, NH4CN हो सकता है, वेरी गुड। देखो आप लोग खुद ही एक वीक एसिड और एक वीक बेस को लेकर के सॉल्ट बना दीजिए, तो इसी एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, वीक एसिड एंड वीक बेस, जैसे NH4NO2, इसका नेम क्या होगा, अमोनियम नाइट्राइड, NO2 माइनस को नाइट्राइड बोलते हैं, अभी इनके नेम भी आपको क्लियर नहीं है, जब नाइन्थ में पढ़ा आप लोगों ने, नेम से परेशान हो जाओगे फिर, अमोनियम नाइट्राइड, सी NO2 माइनस होता है नाइट्राइड, NO3 माइनस होता है नाइट्रेट, ठीक है, तो अमोनियम नाइट्राइड, बताइए इसमें एसिड क्या है, HNO2 है, क्योंकि ये प्लस है नेगेटिव है, तो HNO2 एसिड है, और NH4OH क्या है बेस, क्या दोनों वीक हैं, यस हाँ, बट सॉल्ट कैसा है, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा वाटर में, कंप्लीटली या पार्शली, कंप्लीट डिसोसिएशन, हाँ, इसका एक मोल लेंगे तो एक मोल NH4+ और एक मोल NO2- मिलेगा इन एक्वा सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो CH3COONH4,
कोई स्टूडेंट मुझे इसका नेम बता सकता है इस सॉल्ट का? अमोनियम एसिटेट। अमोनियम एसिटेट, हाँ अमोनियम एसिटेट। सॉल्ट ऑफ अमोनियम एसिटेट है, CH3CO माइनस और NH4 प्लस बनेगा। इसका बेस क्या होगा? NH4OH। इसका एसिड क्या होगा? CH3COH। दोनों वीक है बट कंप्लीट डिसोसिएशन। इस तरह से यहाँ पे NH4CN भी ले सकते हो आप, NH4CN एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सतीश म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो आपने बहुत पढ़े हैं, जैसे NaCl। NaCl में बेस क्या है? NaOH, और एसिड क्या है? HCl। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। KBr, KBr में क्या बेस है, क्या एसिड है? KOH बेस है और HBr एसिड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज मुझे बता देना। Na2SO4 कैसे सॉल्ट है बच्चों? H2SO4 और NaOH। इसके बाद और भी ले लीजिए, NaCl4। NaCl4 में बेस क्या है? NaOH। बेस यहाँ पर NaOH है और एसिड यहाँ पर HClO4 है। HClO4 एसिड जो होता है वो H2SO4 से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओके, HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2SO4। लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग, कौन आपस में कैसे कंपेयर करना है वो आगे सीखेंगे हम लोग। ये है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और इस तरह बहुत सारे सॉल्ट हैं, जैसे NaNO3। NaNO3 किससे मिलकर बना है बताइए जरा? NaOH और HNO3। वेरी गुड। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। NH4NO3 सॉल्ट किस कैटेगरी में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा? टेल मी। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। क्या सभी बच्चे? हाँ बिल्कुल सही आंसर है। दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्योंकि वीक बेस यहाँ पे क्या है? NH4OH। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? HNO3। नाइट्रिक में इक वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है और अस वीक होता है। नाइट्रोजन के जो दो एसिड हैं HNO3 और HNO2, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसे नाम है, इसका नेम होता है नाइट्रिक एसिड। ये अमोनियम नाइट्रेट है, इक से एट बनता है, नाइट्रिक एसिड है तो NO3 को नाइट्रेट बोला जाता है। नाइट्रस में आइट बोला जाता है, यह है नाइट्रस एसिड। जब भी जिसका नाम एसिड में अस होगा वो सॉल्ट में एट होगा। ये भी तो छोटे छोटे लॉजिक होते हैं बच्चों। देखो इसे HNO2 का सॉल्ट सोडियम के साथ क्या बनेगा? NaNO2 बनेगा। और HNO3 का सॉल्ट सोडियम से क्या बनेगा बच्चों? NaNO3 बनेगा। अब दोनों के नेम देखा जाए तो ये अस का सॉल्ट था तो इसके नेम के आगे आइट आता है, सोडियम नाइट्राइट। और ईक के सॉल्ट को एट बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। ये हमेशा के लिए रूल, ऐसा नहीं कि मतलब किसी एक के साथ है। जैसे H2SO4 का नेम क्या बोलते हो आप बताइए जरा? सल्फ्यूरिक एसिड। और H2SO3 को क्या बोलते हो? सल्फ्यूरस एसिड। अस, ये अस का है ना, इसका सॉल्ट बनाओगे सोडियम से तो बनेगा Na2SO3, और इसका सॉल्ट बनाओगे तो बनेगा Na2SO4। क्या आप लोग इसको सोडियम सल्फेट नहीं बोलते हो? और इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फाइट। सोडियम सल्फाइट, ठीक है। तो अस का जो एसिड होता है उसके आगे आइट लगता है हमेशा, और ई के एसिड के आगे हमेशा एट लगता है, एट। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको हमेशा ध्यान होने चाहिए, नहीं तो नेमिंग में काफ़ी दिक्कत रहती है। इनऑर्गेनिक के नेम
नेमिंग की ऐसी कोई आईपीसी भी नहीं जैसे कि ऑर्गेनिक में होती है। तो हमने सॉल्ट बहुत सारे सीख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात और समझना बच्चों, ये नोट है इंपॉर्टेंट। जैसे कंपाउंड है H2CO3, क्या बोलते हैं इसको आप लोग, कार्बोनिक एसिड, यस या नो? इट इज अ कार्बोनिक एसिड ना? यस सर। बताइए कार्बोनिक एसिड कितने सॉल्ट बना सकता है? दो सॉल्ट। एक बार एक एच को रिप्लेस करके हमने सोडियम लगा दिया NaHCO3, और एक बार दोनों एच को रिप्लेस करके लगा दिया Na2CO3। और आई थिंक आपने दोनों के नेम सुने हैं। इसका नेम क्या था, कॉमन नेम बेकिंग सोडा नहीं था ये? बेकिंग सोडा, यस सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या था बच्चों, वॉशिंग सोडा, राइट? यस सर। ये दो सॉल्ट बन गया इसके, देखो। ठीक है, नाउ जो इसका सॉल्ट है, ध्यान देना, जो बच्चों इसका सॉल्ट है NaHCO3-, इसमें जो एनायन पार्ट है HCO3-, इसके अंदर अभी एक H+ देने की टेंडेंसी है, इसलिए ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि उसकी पीएच 7 से कमी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। एसिडिक सॉल्ट का मतलब ये है कि जो फर्दर बेस से रिएक्ट कर सकते हैं। क्या ये सॉल्ट क्या है, देखो ये सॉल्ट क्या बताइए, एसिडिक, अच्छा अगर नहीं एच पे दे सकता तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट, जैसे मैं पूछूं कि NaCl कैसा सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है या एसिडिक सॉल्ट है, यू विल से नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। जैसे Na2SO4 कैसा सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट, हाँ। तो यहाँ पर ये सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है, और इसका जो आयंस है यहाँ पर देखो, बहुत ये पॉइंट्स अभी ध्यान समझना। HCO3- के अंदर H+ लेने और देने की दोनों टेंडेंसी है। देखो अगर मैं इसमें H+ को ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा H2CO3, और ये अगर H+ दे दे किसी को तो क्या बनेगा, H+ and CO3 2-, बताइए करेक्ट या इनकरेक्ट? अगर ये H+ दे दो तो यही बनेगा, बोलो बच्चों जल्दी से। और H+ लेने के बाद ये बनेगा कार्बोनिक एसिड, और देने के बाद कार्बोनेट आयन बनेगा, टेल मी, यस। हाँ, ऐसे आयंस को जो H+ ले भी सकता है और दे भी सकता है, ऐसे आयंस का नाम होता है एम्फीप्रोटिक। वर्ड बिल्कुल वैसे ही है जिसे एम्फोटेरिक सुना था आपने। एम्फोटेरिक क्या थे, जो कंपाउंड एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते थे, उसे बोलते थे एम्फोटेरिक। और आपने इसका बेस्ट एग्जाम्पल सुना था जिंक का, जिंक एसिड से रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाता है, मीन्स HCl से अगर रिएक्ट कर रहा है तो, और बेस के साथ बनाता था सोडियम जिंकेट, वो वाली फेमस रिएक्शन थी ना सोडियम जिंकेट वाली। तो ये ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। इसके बाद एल्युमिनियम आपने सीखा था, टिन आपने सीखा था 10th में, कि दिया जाता है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। वैसे यहाँ पे एम्फी का मतलब एम्फोटेरिक, और प्रोटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोटिक का क्या मतलब है यहाँ पे, H+ आयन। आप सभी को पता है क्या H+ आयन को प्रोटॉन बोलते हैं हम लोग? यस सर, पता है। कोई अदर स्टूडेंट बताए कि मुझे H+ को प्रोटॉन क्यों कहते हैं? सर क्योंकि इसमें एक ही पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता ही नहीं, निकाल देते हैं। ओके, अदर कोई स्टूडेंट
एच प्लस को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? पॉजिटिव आयन होता है ना, तो इसमें न्यूट्रॉन होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सुनो ध्यान से सभी बच्चे, एच प्लस बताइए मुझे, हाइड्रोजन में सिंगल हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन्स है, क्या ये सबको पता है कि एच में एक इलेक्ट्रॉन्स एक प्रोटॉन्स होता है? यस या नो? यस। अब एच प्लस का मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन भी चला गया, तो इसके पास क्या बचा केवल? प्रोटॉन। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ही तो है तो इसका नाम प्रोटॉन है इसलिए, और किसी का न्यूक्लियस इस तरह नहीं होता, तो ये केवल न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें है ही नहीं, और उसके न्यूक्लियस केवल एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी नहीं है, तो इसलिए इसे बोलते हैं प्रोटॉन। तो एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या हुआ? जिसके एच प्लस, जिसके अंदर प्रोटॉन लेने और देने की दोनों की टेंडेंसी हो। अभी वर्ड क्लियर नहीं हुआ आप लोगों को? एम्फोटेरिक का मतलब क्या था? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं सब्सटेंस। तो एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या हुआ? जो सब्सटेंस एच प्लस ले भी सकते हैं और एच प्लस दे भी सकते हैं, उसे बोलते हैं एम्फीप्रोटिक आयन। ठीक है, यहाँ पर आयन की बात कर रहे हैं, एम्फीप्रोटिक आयन। और समझना, अभी सारे एक पॉइंट में से बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे H2SO4 बच्चों कितने सॉल्ट बना सकता है? दो सॉल्ट, एक एच को रिप्लेस किया तो NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, और दूसरा रिप्लेस किया तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, बताइए इसमें एसिडिक सॉल्ट कौन सा है, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट। फर्स्ट, दिस इज द एसिडिक सॉल्ट, और यहाँ पर ये क्या आपका नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन एसिडिक सॉल्ट, तो क्या बोलोगे? विच आर कैपेबल टू रिलीज एच प्लस आयन फर्दर। ओके, और नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं? नो, दे कैन नॉट गिव एच प्लस आयन फर्दर, दे आर नॉर्मल सॉल्ट। और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखो, H3PO4 ये कितने सॉल्ट बना सकता है? कितने एच प्लस आयन इसके पास है? थ्री। देखो कितने सॉल्ट बनेगा, एक एच रिप्लेस किया, ये कैसे बनता है सॉल्ट? NaOH से रिएक्ट करके, एक NaOH से कराओगे एक मोल NaOH से, तो ये बनेगा NaH2PO4, दूसरे से कराओगे तो Na2HPO4, और तीसरे से कराओगे तो Na3PO4। ये तीन सॉल्ट बन गए। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ट्राइसोडियम फॉस्फेट, ये सिर्फ सोडियम सॉल्ट। बताइए इसमें नॉर्मल सॉल्ट कौन सा है? Na3PO4, दिस इज नॉर्मल सॉल्ट। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके रिएक्शन वापस से NaOH से करा दूं तो यही सॉल्ट बनेगा, इसके रिएक्शन NaOH से कराऊं तो ये सॉल्ट बनेगा, दिस इज नॉर्मल सॉल्ट। अब इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है आपको, और कंफ्यूजन कैसे होगा देखो ध्यान से, सतीश मैं आपको रिमूव कर दूं क्या बेटा? आप अनम्यूट ही रहते हो हमेशा। देखो जैसे H3PO3 है, इसका नेम मैंने क्या बताया था? H3PO4 का नेम क्या बताया था? फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या था? फॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड है। बताओ ये कितने सॉल्ट बना सकता है? इसमें एक्सेप्शन था, मैंने कहा था ये डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड, ये सुना होगा 10th में वर्ड डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड क्या होते हैं? दो एच पॉजिटिव, जो दो एच पॉजिटिव दे सकते हैं, वेरी गुड। तो देखो इसका सॉल्ट जो बनता है, इसमें इसके अंदर तीन एच प्लस में मैक्सिमम से मैक्सिमम दो एच प्लस आयन देने टेंडेंसी होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो ये केवल दो सॉल्ट बना सकता है, NaH2PO3 और NaHPO3, Na2HPO3। अगर तीसरा सॉल्ट इसका ये लिखते हो Na3PO3 तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर 12th में अभी मैं बना सकता हूँ, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। इसके स्ट्रक्चर में अब एक्सरे स्ट्रक्चर तो एक्सरे एनालिसिस से पता चलता है, इसके स्ट्रक्चर में आउट ऑफ
थ्री हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से अटैच्ड होते हैं बट एक हाइड्रोजन फास्फोरस से अटैच्ड होता है, और जो हाइड्रोजन फास्फोरस से अटैच्ड है वो एज ए एच प्लस आयन नहीं रिमूव होता है, इसलिए ये बेस से रिएक्ट नहीं कर सकता है और सॉल्ट नहीं बना पाता है। तो देखो ये एच रिप्लेस हो गया तो एन ए आ गया, ये भी रिप्लेस हो गया तो दो एन ए आ गया, तीसरा सॉल्ट इसका नहीं बनता है। इवन एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे इंटरेस्टिंग, कि H3PO2 में थ्री हाइड्रोजन है लेकिन केवल एक हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो पाता है बिकॉज ऑफ, अगेन बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और यहाँ पर एच और एच, ये देख लो केवल एक, इसके स्ट्रक्चर में केवल एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, अदर टू हाइड्रोजन जो है फॉस्फोरस अटैच्ड है, और ये एज एच प्लस आयन नहीं रिमूव होते कभी भी। तो इसका मतलब है कि केवल एक ही रिप्लेसेबल एच प्लस आयन है तो एक ही सॉल्ट बना सकता है। इसका सॉल्ट क्या बनता है, एन ए एच टू पी ओ टू, और ऐसे आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड नेचर में है कि नहीं। अगर कभी ये लिखा हो एन ए टू एच पी ओ टू तो समझ लेना गलत कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक ही एच प्लस आयन टेंडेंसी है। अब मैं आपसे पूछूं ये सॉल्ट कैसा है, एसिडिक सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट? आपको पता है कि इसके बाद ये एच प्लस नहीं दे सकता, वेरी गुड। तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन दिख जाए तो बस एसिडिक ही है, यही समझाना था, लेकिन ये बात आपको ना ट्वेल्थ में ज्यादा समझ में आ जाएगी नॉर्मल सॉल्ट। तो अभी अगर आपको लगता हो कि सर कितने एक्सेप्शन है कि क्या है तो कोई दिक्कत, अच्छा बताओ ये सॉल्ट कैसा है, एसिडिक या नॉर्मल? नॉर्मल, नॉर्मल सॉल्ट, वेरी गुड। आदो ये नॉर्मल सॉल्ट ना टेंथ में भी थे आपके, ठीक है।